बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेबी ब्लैंकेट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसे बनाने के लिए हमें 26 बाई 26 की एक गोदरी चाहिए, जो 4 mm की फोम सीट्स के साथ एक कपड़ा लगा हुआ है और चारों ओर सिलाई हो गई है। हमें बारीक बारीक सिलाई लगा ली है। ये रेडी भी मिलती है। इसके एक लाइनिंग का कपड़ा चाहिए हमें ऊपर लगाने के लिए, जिसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई भी 30 इंच है, यानी 4 इंच दोनों तरफ से ज़्यादा है, जिसे हम पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए पीछे कपड़ा लगा हुआ है, आगे फोम सीट है और इसको बारीक बारीक सिलाई कर लिए है। अब इस पर लाइनिंग का कपड़ा बिछाएंगे, जो 30 बाई 30 है, ऐसे बिछा देंगे इस तरफ घुमाकर। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास, उसे मोड़कर पाइपिंग की तरह हम यूज़ करेंगे। ये 2 इंच कपड़ा है, जिसे हम इस तरह पाइपिंग की तरह डबल फोल्ड करके मोड़ेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम नीचे की साइड और यहाँ ऊपर की साइड भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे, ऐसे मोड़ते हुए। ये हम कॉर्नर सेट करना बता रहे हैं। यहाँ से पहले इस तरह मोड़ेंगे और फिर ऊपर का कपड़ा डबल फोल्ड करके इस तरह सिलाई करेंगे। अब इसको पलटी करेंगे और ये टोपी का हिस्सा है सर के पास, 6.5 लंबाई है इसकी और 13 इंच चौड़ाई है। इसको भी हम इसी तरह पाइपिंग लगा देंगे। पहले एक साइड से सिलाई करेंगे, ऐसे रखकर फिर ये कपड़ा ऊपर फोल्ड करके इस तरह पाइपिंग बना देंगे। इसे तीनों तरफ हम बनाएंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये हमने एक तरफ पाइपिंग लगा ली है, दूसरी तरफ कपड़ा लगाएंगे और इसे कॉर्नर को अंदर फोल्ड करेंगे और बाकी का कपड़ा इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई कर लेंगे। तीनों तरफ कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने तीनों तरफ कंप्लीट कर दिया है। अब 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है लंबी, उसको सिलाई मार ली हमने 1 सेंटीमीटर पे और इसको पलटी कर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर या पतला तार लेकर हमने पलटी कर दिया। ये हम 10 बाई 5 का एक पीस लेंगे, जिसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर की सिलाई मार लेंगे, बीच में थोड़ा ओपन रखेंगे और सिलाई को ऐसे मिडल में लाते हुए यहाँ पे सिलाई मारेंगे दोनों साइड में। इस साइड में भी सिलाई मार लेंगे इस तरह, और ये जो बीच में ओपन है यहाँ से हम पलटी करेंगे। इसी तरह 5 बाई 4 का एक कपड़ा लेकर और एक बना लीजिए, तो एक छोटा और एक बड़ा 2 पीस रेडी हो जाएंगे। ऐसे 2 पीस हमें तैयार करने हैं, छोटा बड़ा आप डिसाइड कर लीजिए, कम ज़्यादा रख सकते हो। बड़ा फूल बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा लो, छोटा फूल बनाना है तो छोटा कपड़ा लीजिए। ये हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब बड़े पे छोटा पीस रख कर ऐसे दोनों ऊपर नीचे रखकर ये जो कटिंग हिस्सा है पीछे रखेंगे और इस तरह सीधा हिस्सा आगे यहाँ पे चुन लेंगे और इस तरह चुन लेंगे। यह हमने एक बड़ी पट्टी ले ली है, 3 से 4 इंच चौड़ी है और करीब 18 इंच लंबी है। इसको ऐसे सिलाई मार के पलटी करना है। इसे हमें 2 पीस तैयार करने हैं। हमने सिलाई मार ली है, पलटी कर रहे हैं।
इसके पॉइंट बराबर सेट करिए, फिर ओपन करिए। देखिए ये दो पट्टी तैयार हो गई है हमारी। अब ये जो हमने दो पीस तैयार किए थे उसका इसे मिडल में सिलाई करेंगे बड़े टाँके से। और धागा खींच के दो से तीन बार ऐसे गोल लपेट लें और बैक साइड में टाँके मार के सेट कर दीजिए। एक बो बन जाएगी, इसी तरह छोटी बो भी बना लीजिए। अब ये जो सर का हिस्सा है उस तरफ हमें ये जो टोपी बनाई है रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे रख कर सिलाई कर लीजिए और ठीक मिडल में पहले चेक करेंगे। ये 36 कपड़ा है तो उसका आधा 18 पे हम एक निशान करेंगे। 18 नंबर पे ये निशान कर दिया, 36 का आधा 18 यहाँ पे। और सर के पास से हम मेजरमेंट करेंगे तो 14 इंच नीचे आएंगे। ये जो टोपी लगी है उस तरफ से मेजर टेप रखकर 14 इंच नीचे आएंगे तो साइड से 18 और ऊपर से 14 इंच नीचे इस तरह डबल निशान करेंगे। ये हमने निशान कर लिया और जो 18 की लाइन की थी उसके बराबर हम सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे, ये निशान कर लिया है हमने। ये जो हमने चौड़ी पट्टी बनाई थी वो इस तरह ऐसे रख कर हम सिलाई कर लेंगे और फिर ऐसे पलटी करके उस पर कवर सिलाई कर देंगे। यहाँ पे कवर सिलाई मार देंगे। इसी तरह इसके बैक साइड में यहाँ पे और एक पट्टी लगा देंगे और इसको भी कवर सिलाई कर देंगे। ये हम लेफ्ट हैंड वालों के लिए बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ बांधते हैं उनके लिए है। इस तरफ आएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। हमने ऊपर वो भी लगा दी है। इसी तरह हम ये दूसरा है, ये राइट हैंड के लिए है तो हमने राइट हैंड की तरफ पट्टी लगाई है। और फिटिंग करना है तो इस तरह बैक साइड से पट्टी घुमाकर कमर की पट्टी को आगे लाकर इस तरह बांध सकते हैं। ये फिटिंग के लिए, इसके लिए हम वो बनाना बता रहे हैं आपको। एक अच्छा सा फूल बना रहे, बहुत इजी है और खूबसूरत लगता है, तो आप भी बनाइए। देखिए इस तरह मैं लेस को ऊपर नीचे इस तरह घुमाना है और पूरा फूल तैयार करना है। और टाई के लिए इस तरह हमें और दो पीस लगा देने हैं लंबे खींच कर और फिर टाँके लगा देने हैं। ये हमने कंप्लीट करके रखा है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। अब बीच में डायमंड लगाइए या इसे बटन लगा दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे बटन लगा दें, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये तीसरा पीस, आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताइए, बनाइए, दुआओं में याद रखें। और ऐसे अच्छी अच्छी नई नई आइटम सीखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।